अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो आज हम आपको लेके चलते हैं हज़रत अय्यूब अंसारी के मज़ार में, जो टर्की में अय्यूब सुल्तान के नाम से फेमस है। अगर किसी को तकसीम स्क्वायर से अय्यूब अंसारी के मज़ार ईजीएसट वे में ट्रैवल करना है, वो यहाँ से बस नंबर 55C से ईज़ीली जा सकता है, जो डायरेक्ट हज़रत अय्यूब अंसारी के मज़ार पे आपको बता रही है। एंड देन यू कैन विजिट द एंटायर मॉस्क एंड द ग्रेवयार्ड्स एंड द बाज़ार एज़ वेल। सो व्यूअर्स, आज के हम इस व्लॉग में आपको हज़रत अय्यूब अंसारी के मज़ार का विज़िट कराएंगे। हज़रत अय्यूब अंसारी के मज़ार के तीन हिस्से हैं, जिसमें से पहला हिस्सा हज़रत अय्यूब का मज़ार है, फिर मस्जिद अय्यूब है, उसके बाद कब्रिस्तान है। ये किस्सा कुछ इस तरह का है कि जब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ रहे थे, तो उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली और हज़रत ज़ैद बिन हारिस भी साथ थे। मदीने के हर शख्स की यही ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर मेहमान बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फरमाया कि मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ दूँगा और मेरी ऊँटनी जिस घर के आगे जाकर रुकेगी, मैं उसी का मेहमान बनूँगा। तो चुनाचा यही हुआ, ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर रुकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी बनने तक उन्हीं के घर मेहमान रहे। अबू अय्यूब को जिहाद का बेहद शौक़ था और आपने तमाम मज़ों में शिरकत भी की है। ये हज़रत अय्यूब अंसारी का मज़ार है और ये मस्जिद अय्यूब का हिस्सा है। हिजरी के बाद 49 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर 4 हमले हुए थे। इसी दौरान आप शदीद बीमार होकर यहीं शहीद हो गए और आपकी नसीहत के मुताबिक आपको कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के अंदर ही दफन किया गया। ये मज़ार का अंदर वाला हिस्सा है, जिसमें लेफ्ट साइड पे 4 ख़ास चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें से एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के बाल है, इसी के साथ एक पत्थर का टुकड़ा है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद भेजता रहता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलामी करता था। हज़रत अय्यूब अंसारी की कब्र को चारों तरफ से सिल्वर की दीवारों से कवर किया गया है। कब्रिस्तान का हिस्सा है। अल्लाह ताला हम सबको ये ज़ियारत नसीब फरमाए। जज़ाकअल्लाह, आमीन।